Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारे चारों वेद रामायण गीता श्रीमद् भागवत पुराण सब शास्त्रवत सत्य हैं। उसी का शुभ परिणाम देख रहे हैं कि भगवान श्री कल्कि एक ऐसे अवतार हैं जिन्होंने प्रकट होने से पहले ही अपने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए हैं। कल्कि जी जल्द से जल्द प्रकट हों इसके लिए मामा जी द्वारा यानी श्री ओपी गुप्ता जी द्वारा साल 1989 में संस्था श्री कल्कि बाल वाटिका फाउंडेशन की नींव रखी गई। तब से लेकर ये संस्था पौधे से पेड़ का रूप धारण करती हुई देश भर में 78 शाखाओं के रूप में फैल चुकी है, जिसमें से राजधानी दिल्ली में ही केवल 26 शाखाएं हैं। इतना ही नहीं, कल्कि भगवान की 200 से अधिक मूर्तियां देश भर में सिद्ध पीठों शक्ति पीठों ज्योतिर्लिंग धामों में स्थापित की जा चुकी हैं। ये कल्कि जी की ही तो लीला है कि उन्होंने एक साधारण से साउंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाले व्यक्ति को अपनी स्वप्न अनुभव लीला द्वारा इस शुभ कार्य के लिए प्रेरित किया। संस्थान द्वारा खेल खेल में 4 से 12 वर्ष तक के बच्चों को कल्कि जी के बारे में बताया जाता है एवं उनमें संस्कार रोपण का कार्य किया जाता है। उन्हें मंत्र जाप हवन पूजन यज्ञ ये सब सिखाया जाता है और इसमें मामा जी की मदद करते हैं कई संचालक और संचालिकाएं। श्री कल्कि बाल वाटिका फाउंडेशन कल्कि जी मेरे दोस्त जय श्री कल्कि कार्यक्रम को जरिया बनाकर संस्कार चैनल और साधना चैनल जैसे कई बड़े प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप तक पहुंचती आई। हमारे ज्यादातर दर्शक जानना चाहते हैं कि हमारी संस्था का उद्देश्य क्या है। दादाजी आपने 4 से 12 वर्ष के बच्चों को ही क्यों चुना? हमारी संस्था का उद्देश्य महाविष्णु के अंतिम अवतार भगवान श्री कल्कि का प्रचार व प्रसार द्वारा प्रकट करना है। हम महाभाग्यवान हैं कि भगवान ने हमें इस कार्य के लिए चुना है। देश की भावी पीढ़ी को अपने धर्म एवं संस्कृति के प्रति जागरूक करना ही हमारा ध्येय है, क्योंकि छोटे बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, जैसे ढालो ढल जाते हैं। कुम्हार को कभी मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देखोगे तो पाओगे कि वह कच्ची मिट्टी को आकार देते समय अंदर से सहारा देता है और बाहर से जोर से थपकी लगाता रहता है, फिर उस बर्तन को पकाया जाता है। ठीक वैसे ही छोटी उम्र में बच्चों को संस्कार रोपण करके वह बड़े होने पर अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। प्रहलाद और ध्रुव ने भी तो बचपन में ही भगवान की भक्ति से उन्हें पाया था। मैंने बाल वाटिका शुरू करी, एक करी चांदनी चौक में शुरू करी। गुरुद्वारे के सामने मेरा पहला ऑफिस है। शनिवार को मैं रात को उसे मंदिर के रूप में बदल जा करता था। ये 40-50 बच्चे धीरे धीरे मेरे पास आए, खूब खेलते थे कूदते थे। इनसे इनको मैं संस्कार वाली चीज़ें देता था, हवन कराता था, कहानी सुनाता था, इनसे कहानी लिखवाता था, पत्रिका में छपवाता था। इनको जो प्रोत्साहित करना शुरू करा, धीरे 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 ये बढ़ती चली गई। अब अपने आप स्वतः बढ़ रही हैं। आपने देखा होगा जो उस समय जो मेरे पास बच्चे थे, आज वो माएँ बन गई हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, सब भर भर के आ रहे हैं, सब जगह बढ़ता चला जा रहा है। असली मदद सारी इसमें श्री हनुमान जी, रामकृष्ण परमहंस के अवतार महर्षि लक्ष्मी नारायण जी, ये हैं असली, वो हैं।